तो भाई गाइस, आज हम सॉलिडवर्क्स के अंदर ऐसा कुछ चीज बनाने वाले हैं। ओके, ऐसा कुछ टीयर। और यहाँ पर देखो, हम यहाँ पर कैब एक्चुअली सॉलिड नहीं है, यहाँ पर देखो ये हॉलो है, इसके अंदर भी तुम झांक सकते हो। ओके, जैसा तुम जानते हो। ओके, हॉलो है। उसके बाद यहाँ पर अगर तुम नीचे की तरफ जाओगे तो यहाँ पर देखो हमारा पिन वगैरह, तुम यहाँ पर नट वगैरह भी लगा सकते हो असेंबली के अंदर जाने के बाद। ओके, यहाँ पर हमने शीट मेटल का इस्तेमाल किया है ये बनाने के लिए, हम यहाँ पर वेल्ड मेट्स का इस्तेमाल किया है। ओके, तो यहाँ पर सब कुछ किस करने से करके हमने इसको बनाया है। उसके बाद असेंबली पे जाके यहाँ पर स्क्रू वगैरह सब कुछ लगा सकते हो। तो चलो ये वाला चीज कैसे बनाते हैं वो हम देखते हैं। ओके, तो इस वाले पार्ट को बनाने से पहले इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो ताकि इसका डायमेंशन वगैरह तुम्हारे पास रहे। तो उसके बाद मैं इसको साइड में एडजस्ट कर दे रहा हूँ और इसको थोड़ा जूम इन कर लूंगा। यहाँ पर मैं पहले इस नीचे वाले पार्ट को बनाऊंगा। ओके, उसके बाद हम यहाँ पर बारी बारी से सब कुछ करते रह जाएंगे। फाइल पर जाके यहाँ पर न्यू पर क्लिक करेंगे। न्यू पर क्लिक करने के बाद पार्ट पर जाके इसको ओके करेंगे। ओके करने के बाद यहाँ पर मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैं स्केच पर जाऊंगा। स्केच पर जाने के बाद यहाँ पर एक सेंटर लाइन लूंगा, यहाँ पर सॉरी लाइन ले लिया, यहाँ पर एक सेंटर लाइन लूंगा। सेंटर लाइन लेने के बाद यहाँ पर फ्रंट प्लेन पर जाएंगे। फ्रंट प्लेन पर जाने के बाद यहाँ पर मैं कुछ इस तरह का एक स्ट्रक्चर बनाऊंगा। ओके, ये पूरा यहाँ पर राइट क्लिक करके सिलेक्ट मारो। सिलेक्ट मारने के बाद इसको तुम ऐसे पूरा सिलेक्ट कर सकते हो। ओके, देखो इस तरह से हो गया, सॉरी। ओके, उसके बाद इसका इस कंस्ट्रक्शन को ऑफ कर दो। उसके बाद सॉलिड लाइन में कन्वर्ट हो जाएगा, उसका टिक मार दो। टिक मारने के बाद यहाँ पर स्मार्ट डायमेंशन पर जाओ। स्मार्ट डायमेंशन पर जाने के बाद इसका यहाँ पर थिकनेस कितना था, 2200, दबा के एंटर मारो। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये यहाँ पर 1060, दबा के एंटर मारो। उसके बाद यहाँ पर इस लाइन से यहाँ पर ये जो पॉइंट है इसका यहाँ पर ए वाला डिस्टेंस इतना है, 1000, दबा के एंटर मारो। तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर आ जाएगा, इसको खींच कर ऐसे नीचे कर सकते हो। उसके बाद इसका डायमेंशन वगैरह कुछ तो नहीं बोला है, नहीं बोला है। अच्छा, मैं इसका भी शायद 200 ही होगा। उससे पहले इसका एक एंगल देकर देखता हूँ। ओके, एंगल देने के लिए मुझे एक सेंटर लाइन चाहिए, तो यहाँ पर मैं सेंटर लाइन को लूंगा। सेंटर लाइन लेने के बाद यहाँ पर इनफाइनाइट को क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर क्लिक करके एक ऐसे एक एक्सिस ले लूंगा, हो गया। उसके बाद यहाँ पर मैं स्मार्ट डायमेंशन पर जाऊंगा, सेंटर लाइन को क्लिक करो। उसके बाद इस लाइन को क्लिक करो, इसके बीच का जो एंगल है वो 45 डिग्री दबा के एंटर मारो। उसके बाद यहाँ पर मैं अगर इसके मारू तो यहाँ पर फुल्ली डिफाइंड लिखा आ चुका है, तो इस डायमेंशन की जरूरत भी नहीं पड़ी, हो गया। उसके बाद मैं इसको एग्जिट मारूंगा। एग्जिट मारने के बाद यहाँ पर मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैं वेल्ड मेट पर जाऊंगा। उसके बाद यहाँ पर वेल्ड मेट के एनवायरमेंट के अंदर एंटर करूंगा। उसके बाद यहाँ पर स्ट्रक्चरल मेटेरियल पर जाऊंगा। ओके, उसके बाद यहाँ पर क्या बोला है, सी चैनल। ओके, यहाँ पर अच्छा, यहाँ पर ना ऑल डायमेंशन इन ऑल डायमेंशन आर 1 mm। अच्छा, मुझे यहाँ पर तो आईएसओ पर जाना होगा क्योंकि मिलीमीटर बोला है। अगर यहाँ पर इंच ही बोलता तो मुझे इंच ही पर जाना होता। फिलहाल मैं यहाँ पर आईएसओ पर जाऊंगा। उसके बाद यहाँ पर सी से सी चैनल बोला है, तो मैं यहाँ पर सी चैनल पर क्लिक करूंगा। उसके बाद यहाँ पर डायमेंशन कितना बोला है, 120x12, ये है क्या 120? हाँ, ये वाला है, इसको क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पर इसको क्लिक करूंगा, ये यहाँ पर हो गया। उसके बाद इसको क्लिक करूंगा, उसके बाद इसको क्लिक करूंगा। पर देखो यहाँ पर जैसा दिखा हुआ है पर यहाँ पर ऐसा नहीं आ रहा है, तो इसको हमें थोड़ा सा रोटेट करना होगा। इसको मैं 90 डिग्री रोटेट करके देखता हूँ। हाँ, सही तरह से आ गया है। उसके बाद और एक चीज मुझे देखना पड़ेगा, और एक चीज, यहाँ से ऊपर से 1000 इसका हाइट है, मतलब ये नीचे की तरफ होना चाहिए। वो कैसे होना चाहिए, यहाँ पर मैं प्रोफाइल लोकेट प्रोफाइल पर क्लिक करूंगा। उसके बाद इस ऊपर वाले पॉइंट को यहाँ पर क्लिक कर दो, ऊपर वाले पॉइंट को क्लिक कर दो। हाँ, इस वाले इधर अब एकदम परफेक्टली आ चुका है। ओके, तो ऐसा ही हमें चाहिए क्योंकि यहाँ पर लिमिट दे चुका है कि 1000 से ज्यादा नहीं बढ़ना चाहिए, तो यहाँ पर हम इस लिमिट को क्रॉस नहीं कर सकते क्योंकि हम एकदम ओरिजिनल बनाएंगे, कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं, कोई भी एरर नहीं, सब कुछ एकदम 100% एक्यूरेट। ओके, उसके बाद मैं इस पर टिक मार दूंगा। टिक मारने से यहाँ पर कुछ ऐसा कुछ यहाँ पर स्ट्रक्चर आ चुका है, अच्छी बात है। ओके, उसके बाद यहाँ पर मैं इसको स्पेस दबा के आइसोमेट्रिक पर क्लिक करता हूँ, तो ऐसा कुछ आ गया। उसके बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैं प्लेन लूंगा। प्लेन यहाँ पर रेफरेंस पर जाके प्लेन पर क्लिक करूंगा। प्लेन पर क्लिक करने के बाद मुझे यहाँ पर एक प्लेन होना चाहिए। यहाँ पर देखो ये जो प्लेन है इसको क्लिक करो। क्लिक करने के बाद इस तरफ को ऐसे क्लिक करो, तो इसके बीच पर ये क्या हो गया, ऐसा नहीं चाहिए हमें, ऐसा क्यों ले लिया इसको। अगर इस प्लेन को अगर मैं यहाँ पर 90 डिग्री घुमा दूंगा, ओके, यहाँ पर इसको 0 दबा के एंटर मारो, तो क्या हो रहा है यार।
यहाँ पर मैं एक रेफरेंस पे जाके यहाँ पर एक प्लेन पर क्लिक करूंगा, प्लेन पर। अच्छा, यहाँ पर हाँ ठीक ही तो लिया है यहाँ पर, ठीक से इस रेफ ओ अच्छा, यहाँ पर इस प्लेन पर क्लिक करो। प्लेन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर इसको क्लिक करो सी सेक्शन। एक्चुअली यहाँ पर एक फिलेट दिया होता है, तो मैंने एक्चुअली इसको गौर नहीं किया था, शायद मैंने इस फिलेट को क्लिक कर लिया था इसलिए वो ऐसे घूम गया। ओके, उसके बाद देखो मैंने ऐसे किया तो इसके बीच पर एक सरफेस आ गया। उसके बाद इसको हम कितना इस तरफ ले जाएंगे, यहाँ पर देखो इसको तुम टिक मारो। टिक मारने के बाद ये जो प्लेन है इसको यहाँ पर एडिट मारो। एडिट मारने के बाद इसको हमें सामने की तरफ ले जाना होगा। ले जाने का यहाँ पर ऑप्शन था। ओके, इसको मैं यहाँ पर अगर इस तरफ डिस्टेंस दे दू। अच्छा यहाँ पर नहीं ले रहा है, कोई बात नहीं। ये वाला जो प्लेन है इस प्लेन को ही हम क्लिक करेंगे। ओके, इस प्लेन को क्लिक करो। क्लिक करने के बाद फिर से इस रेफरेंस पर जाकर फिर से एक प्लेन ले लो। तो फिर से एक प्लेन ले लिया, तो इसको हम यहाँ पर आगे पीछे कंट्रोल कर सकते। तो पूरा यहाँ पर थिकनेस कितना है 600, तो इसका आधा कितना होता है 300, क्योंकि हमें एक मिडिल प्लेन चाहिए। तो 300 दबा के एंटर मारूंगा। उसके बाद इसको मैं रोटेट करूंगा दूसरी तरफ, फ्लिप यहाँ पर इसको, एक सेकंड, यहाँ पर नहीं, इसको फ्लिप कर दूंगा। तो देखो इस तरह मिल गया, यही हमें चाहिए। उसको इसको टिक मार दो, कुछ देर बाद ये हमें काम में लाएगा। तो फिलहाल इसको मैं, ये वाला जो प्लेन है इसको मैं यहाँ पर हाइड कर देता हूँ। अच्छा ये क्या होगा, अंडू करो। अंडू करने के बाद ये वाला प्लेन को सिलेक्ट करो, राइट क्लिक करके इसको हाइड मार दो। इस वाले प्लेन की जरूरत नहीं है। उसके बाद देखो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, अच्छा एक्चुअली बीच वाले प्लेन की जरूरत थी, तो इसको मैं अंडू करूंगा। हाइड क्या हो गया, अंडू करने से इसको मैं फिर से रिडू कर देता हूँ, कंट्रोल प्लस वाई दबा के। हाँ ठीक हो गया। ये वाला प्लेन राइट क्लिक करके इसको मैं 100 कर देता हूँ। ये वाला प्लेन हमें चाहिए, क्यों चाहिए, क्योंकि इसी वाले प्लेन पर हमें काम करना है इसको, क्योंकि ये वाला प्लेन एकदम बीच से जा रहा है। इसको क्लिक करके मैं यहाँ पर राइट क्लिक करके स्केच पर जाऊंगा। स्केच पर जाने के बाद यहाँ पर मैं क्या लूंगा, कंट्रोल मिडिल माउस को थोड़ा एडजस्ट करो। उसके बाद मैं यहाँ पर एल दबा के भी लाइन टूल डायरेक्ट ले सकते हो। उसके बाद यहाँ पर देखो, यहाँ पर ऊपर से या सेंटर से नहीं ले रहा। ओके, ऐसे सीधा जाओ, राइट क्लिक करके स्केच एल दबाओ। एल दबाने के बाद यहाँ पर और भी एक चाहिए, इस ऊपर से सीधा जाना पड़ेगा, राइट क्लिक करके सिलेक्ट। उसके बाद और एक चाहिए, यहाँ पर एल दबाओ। उसके बाद इस ऊपर से यहाँ पर क्लिक करके ऐसे देखो, जब भी तुम सीधा जाओगे ना तो योलो कलर का एक सिंबल दिखाई, इसको क्लिक कर दो, राइट क्लिक करके सिलेक्ट मारो, हो गया। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम स्मार्ट डायमेंशन पर जाएंगे। स्मार्ट डायमेंशन पर जाने के बाद यहाँ पर कुछ तो दिया हुआ होगा। ओके अच्छा, यहाँ से डिस्टेंस 100 थे, तो इसको क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर इसको क्लिक करूंगा, तो इसका डिस्टेंस यहाँ पर 100 100 दबा के एंटर मारो, तो बीच पे आ गया। उसके बाद कितना ऊपर तक गया, 350 प्लस 350 मतलब 336 7 हुआ। तो इसको मैं खींच कर यहाँ पर क्लिक करके 700 दबा के एंटर मारूंगा, तो ये ठीक हो जाएगा। उसके बाद देखो मैं क्या करता हूँ, अच्छा इसके साथ इसका बीच का जो डिस्टेंस है वो यहाँ पर कितना है, 450 दबा के एंटर मारो। उसके बाद इसके मारो, इसके मारने के बाद इसको थोड़ा इस तरफ करो। अगर इसके मार ही दिए हो तो इन तीनों को इक्वल कर दो। इसको क्लिक करो, कंट्रोल दबा के इसको क्लिक करो। उसके बाद यहाँ पर इसको क्लिक करो, उसके बाद हम इसको इक्वल कर देंगे। उसके बाद हम फिर से राइट क्लिक करके स्मार्ट डायमेंशन पर जाएंगे, इसको क्लिक करेंगे और इसको क्लिक करेंगे। इस पर हम 450 दबा के एंटर मारेंगे, तो ये शायद एकदम ठीक ठाक आ चुका है। उसके बाद यहाँ पर इसके मारो, इसके मारने के बाद मुझे ये रॉड वगैरह लेना होगा, स्पेस दबा के एक बार नॉर्मल दबा दो, ठीक हो जाएगा। उसके बाद मैं फिर से लाइन टू लूंगा। लाइन टू लेने के बाद यहाँ से ले लो, यहाँ से उसके बाद यहाँ तक कुछ ऐसा कर दो, हो गया। राइट क्लिक करके सिलेक्ट, फिर से मैं एल दबाऊंगा। ओके, उसके बाद यहाँ से कुछ ऐसा कर दो। उसके बाद यहाँ पर सीधा जाके ऐसे किसी के साथ कोइंसाइड मत करो, पहले राइट क्लिक कर सिलेक्ट मार दो। उसके बाद देख देख कर कोइंसाइड करो, इसको क्लिक, इस पॉइंट को क्लिक करो, कंट्रोल दबा के इस लाइन को क्लिक करो। उसके बाद इसको मैं कोइंसाइड कर दूंगा, अच्छी बात है। उसके बाद यहाँ पर कोइंसाइड मत करना, प्रॉब्लम हो जाएगा, इसको हम बाद में देखते हैं, इस झमेले को पहले कर लेते हैं। इसको क्लिक करूंगा, अच्छा यहाँ पर कोइंसाइड नहीं है। इसको मैं क्या करूंगा पता है, इसको क्लिक करूंगा और यहाँ पर कंट्रोल दबा के इस लाइन को क्लिक करूंगा। उसके बाद अच्छा यहाँ पर ऐसा कुछ पॉइंट नहीं है, तो मैं इस पॉइंट को क्लिक करूंगा, कंट्रोल दबा के इस पॉइंट को क्लिक करूंगा। उसके बाद मैं इसको वर्टिकल कर दूंगा, तो ये सीधा ही रहेगा। उसके बाद ये वाला जो लाइन है इसको क्लिक करूंगा, कंट्रोल दबा के इस वाले लाइन को। उसके बाद मैं इसको पैरेलल कर दूंगा, तो ये एकदम परफेक्ट हो जाएगा। उसके बाद ये वाला जो पॉइंट है कंट्रोल दबा के इस वाले के साथ कोइंसाइड कर दो, हो गया। अच्छा इसके साथ कंट्रोल दबा के इस लाइन को भी कोइंसाइड कर दो, हो गया। उसके बाद क्या करना पड़ेगा, उसके बाद यहाँ पर इस पॉइंट को, यहाँ पर कुछ थिकनेस वगैरह नहीं है, मतलब हम सेम ही कर सकते हैं। इसको क्लिक करूंगा, इसको क्लिक करूंगा और यहाँ पर एक पॉइंट लो, इस पॉइंट को हम यहाँ पर वर्टिकल कर देंगे, हो गया काम। उसके बाद यहाँ पर अगर कुछ कर सकते थे तो अच्छा होता, अच्छा हम कर सकते हैं। तो हम स्मार्ट डायमेंशन लेंगे, इस पॉइंट से
यहाँ पर ये जो प्लेन है इसका डिस्टेंस मैंने कितना बोला था, 350 दबा के एंटर मारो, हो गया। और इसको भी क्लिक करूंगा, क्लिक करने के बाद यहाँ पर इस पॉइंट से, अच्छा इस पॉइंट से क्यों कर रहा हूँ, यहाँ पर एक्चुअली मुझे इसके मारना होगा, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जो डिस्टेंस है ये यहाँ पर 350 दबा के एंटर मारूंगा तो हो गया। उसके बाद यहाँ पर इसके मार, तो इसके मारने से ये हो गया, पर ये यहाँ पर ऐसा क्यों दिखा रहा है, अच्छा ये इस तरह से जा सकता है। यहाँ पर मैं क्या करूंगा, इस वाले पॉइंट को क्लिक करूंगा, कंट्रोल दबा के इस वाले पॉइंट को क्लिक करूंगा, उसके बाद इसको वर्टिकल कर दूंगा। तो देखो ये पूरा कुछ ऐसा हो चुका है जो जैसा हमें चाहिए। उसके बाद हम यहाँ पर स्केच से बाहर जाएंगे, स्केच से बाहर जाने के बाद यहाँ पर हम वर्ल्ड मार्ट पर जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर ये शायद राउंड राउंड सा कुछ लिया है, तो यहाँ पर मैं इस स्ट्रक्चरल जो भी लिखा है मेंबर पर जाऊंगा। उसके बाद यहाँ पर सी सेक्शन नहीं, यहाँ पर मैं पाइप लूंगा, यहाँ पर शायद लिखा भी होना चाहिए, यहाँ पर देखो पाइप लिखा भी है, पाइप 3370 × 4, तो यहाँ पर 337 × 4 ये सब मतलब एकदम देख देख कर ही शायद दिया होगा। ओके यहाँ पर अगर कस्टमाइज कोई डायमेंशन है वो कैसे करना होता है वो मैंने सिखा दिया है इसी प्लेलिस्ट के अंदर सेकंड वीडियो में, तो वो आप देख लेना। यहाँ पर जो डायमेंशन नहीं है आप वो भी कैसे ला सकते हो। उसके बाद इसको क्लिक करूंगा, क्लिक करने के बाद मैं न्यू ग्रुप पर जाऊंगा क्या, नहीं न्यू ग्रुप पर जाने की कोई जरूरत नहीं है, इसको तुम टिक मार दो। टिक मारने के बाद यहाँ पर देखो कुछ प्रॉब्लम आ गया है, ये देखो इस तरह से कुछ प्रॉब्लम आ गया है, इसका सोल्यूशन क्या है। यहाँ पर मैं स्ट्रीम एंड एक्सक्लूड पर जाऊंगा, उसके बाद इसको क्लिक करो, अच्छा यहाँ पर ना इस सेकंड वाले ऑप्शन को ले लो, सेकंड वाले ऑप्शन को लेने के बाद इसको क्लिक करो, इसको क्लिक, अच्छा, सॉरी एक साथ सब क्लिक नहीं हो सकता, इसको क्लिक करो। तो वो देखो यहाँ पर कुछ, ओ माय गॉड फालतू सा आ चुका है, इसको क्रॉस कर दो, इसी के अंदर शायद हमें कुछ करना होगा। इसको मैं क्लिक करूंगा, उसके बाद यहाँ पर एडिट पर जाऊंगा, एडिट पर जाने के बाद नीचे की तरफ यहाँ पर कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, फिर से मैं लूंगा ओके, इसको मैं राइट क्लिक यहाँ पर डिलीट दबा के एंटर मारूंगा। उसके बाद स्केच को सिलेक्ट करके, स्केच को सिलेक्ट क्यों कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं सॉरी ये क्या ले लिया यार, यहाँ पर मैं स्ट्रक्चरल मेंबर पर जाऊंगा, उसके बाद इसको क्लिक करूंगा, क्लिक करने के बाद यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, इसको भी क्लिक करो, फिर से एक बार ले लेता हूँ, इसको भी क्लिक करो, क्लिक करने के बाद और कुछ नहीं कर सकते फिलहाल के लिए। ओके यहाँ पर इसको तुम टिक मार दो, टिक मारने के बाद यहाँ पर मैं फिर से यहाँ पर स्ट्रक्चरल मेंबर पर जाऊंगा, उसके बाद इसको क्लिक करो, उसके बाद यहाँ पर इस ऊपर वाले को क्लिक करो, क्लिक कर दिया। उसके बाद यहाँ पर ज्वाइंट वगैरह सब कुछ सही है ना, सही तो है कुछ इस तरह से, इसको फिर से नहीं यार ऐसा ही ले लो। उसके बाद यहाँ पर फिर से मैं एक न्यू ग्रुप पर क्लिक करूंगा, न्यू ग्रुप पर करने के बाद इसको क्लिक करो और यहाँ पर इसको क्लिक कर सकते हो। ओके तो यहाँ पर कुछ इस तरह से हमारा आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसको भी तुम टिक मार दो, टिक मारने के बाद यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम एक्चुअली दिखा रहा है यहाँ पर, तो इसके लिए मैं यहाँ पर ट्रिम पर जाऊंगा, यहाँ पर एक्चुअली हो जाना चाहिए था, मैं अगर फास्ट ऑप्शन बोलूंगा, इसको क्लिक करूंगा, उसके बाद इसको क्लिक करूंगा, अच्छा नहीं यहाँ पर मैं इसको डिलीट मारता हूँ, मैं इसको क्लिक करूंगा और इसको क्लिक करूंगा, उसके बाद मैं यहाँ पर जाके इस पूरे बॉडी को सिलेक्ट करूंगा। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर, अच्छा बॉडी को सिलेक्ट करने से नहीं होगा, डिलीट मारो, यहाँ पर इस फेस को सिलेक्ट करना होगा, इस फेस को यहाँ पर सिलेक्ट मार दो। सिलेक्ट मारने से देखो एकदम प्रॉपर वे से आ चुका है, थोड़ा सा ना तुम्हें इधर उधर करके से एडजस्ट करके देखना पड़ेगा। ओके प्रॉपर वे से आ चुका है, उसके बाद मैं इसको टिक मार दूंगा, टिक मारने से देखो एकदम परफेक्टली आ चुका है, ऐसा ही हमें चाहिए था। ओके परफेक्टली आ चुका है, यहाँ पर तुम एंड कैप वगैरह लगा सको, एंड कैप कैसे लगाना हो तो यहाँ पर मैं एंड कैप पर क्लिक करूंगा, क्लिक करने के बाद यहाँ पर मैं अगर इस सर्फेस पर क्लिक करूंगा, क्लिक करने के बाद ऐसा कुछ लगता है, यहाँ पर थोड़ा बड़ा करके दिया है, नहीं अच्छा यहाँ पर कुछ दिखा हुआ ही नहीं है, तो मैं इसको ना 3 गुना नहीं, इसको मैं 2 गुना बड़ा कर लेता हूँ, ऐसा ठीक है। उसके बाद यहाँ पर तुम इसको फिलेट वगैरह भी ऐसे दे सको, इसको तुम ऑन करो, अच्छा ऑन क्यों नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, इसको मैं ऐसे भी ले सकते हो अंदर की तरफ, या फिर तुम इसको, या फिर तुम बाहर की तरफ ही ले लो, अच्छा बस अच्छा चीज है। ओके तो उसके बाद मैं इसको, अच्छा और एक कहीं पर कुछ, अच्छा हाँ इस तरफ तो देना पड़ेगा हमारा एंड कैप, तो इसको क्लिक करूंगा और यहाँ पर इस तरफ अगर कुछ दीवार वगैरह है, वॉल वगैरह है तो जाने की जरूरत नहीं है, पर फिर भी मैं यहाँ पर दे रहा हूँ। उसके बाद मैं इसको टिक मारूंगा, टिक मारने से हमारा ये काम कंप्लीट हो गया। उसके बाद देखो मैंने बीच का जो प्लेन लिया था ये अब काम में आएगा। यहाँ पर मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैं फीचर्स पर जाके मिरर पर क्लिक करूंगा, मिरर पर क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पर रेफरेंस इस प्लेन को लूंगा। उसके बाद यहाँ पर हम इस बॉडी पर क्लिक करेंगे, बॉडी पर क्लिक करने के बाद हम इसको क्लिक करेंगे, इसको क्लिक करेंगे और नीचे इसको भी क्लिक करेंगे, उसके बाद इसको, उसके बाद इसको, उसके बाद इसको, उसके बाद ये वाला सभी को यहाँ पर एक्चुअली सिलेक्ट करना चाहिए। ओके इसको भी क्लिक कर लो, क्लिक करने के बाद सब कुछ आ गया। उसके बाद इसको मैं टिक मारूंगा,
टिक मारने से देखो इस तरह परफेक्टली आ चुका है, नहीं परफेक्टली तो नहीं आया है। ओके, तो इस मिरर को मैं यहाँ पर जाके यहाँ पर इसको एडिट करूंगा, इसको क्लिक करके यहाँ पर मैं एडिट पर जाऊंगा। एडिट पर जाने के बाद क्या हो गया, मिरर पर जाके इसको मैं एडिट पर जाऊंगा। एडिट पर जाने के बाद अच्छा इसको मैंने एक्चुअली सिलेक्ट ही नहीं किया। ओके, तो इसको ये अलग कैसे हो गया मुझे पता नहीं चला। ओके, इसको सिलेक्ट कर लिया, सिलेक्ट करने के बाद मैं इसको टिक मारूंगा। टिक मारने के बाद देखो एकदम परफेक्टली यहाँ पर मिरर हो चुका है। ओके, उसके बाद यहाँ पर इस प्लेन दोनों जो है इसको, तो इस प्लेन को और इस प्लेन को कंट्रोल दबा के यहाँ पर इसको हाइड कर सकते हो। देखो एकदम परफेक्टली आ चुका है, कितना अच्छे से आ चुका है। उसके बाद अच्छा यहाँ पर एंड कैप मिरर नहीं होना, तो मिरर पर क्लिक करूंगा। उसके बाद यहाँ पर एडिट पर जाऊंगा, यहाँ पर इस एंड कैप को भी सिलेक्ट करूंगा, इस एंड कैप को। उसके बाद इस तरफ का जो भी जो एंड कैप है इसको क्लिक करूंगा, और यहाँ पर थोड़ा सा रियलिस्टिक लुक देने के लिए इसको मैं क्लिक नहीं करूंगा। उसके बाद मैं इसको टिक मारूंगा, टिक मारने से ऐसा कुछ हो जाएगा। ओके ठीक है, स्पेस दबा के यहाँ पर आइसोमेट्रिक पर क्लिक करो। क्लिक करने के बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम जो स्टेयर्स वगैरह है इसको हम बनाएंगे। इसका डायमेंशन यहाँ पर ठीक से दिया हुआ है। ओके, ये देख देख कर हमें बनाना होगा। तो तुम इस प्लेन पर क्लिक करो, क्लिक करने के बाद यहाँ पर स्केच पर जा सकते हो। स्केच पर जाने के बाद यहाँ पर तुम एक लाइन ले लो, लाइन लेने के बाद कुछ इस तरह से क्लिक करो। उसके बाद यहाँ पर हमें सीधा जाना होगा, किसी से कोइंसाइड मत कर देना। उसके बाद यहाँ पर भी सीधा जाना होगा, उसके बाद यहाँ पर कुछ ऐसे जाके उसके बाद इसको हमें ऐसे जोड़ देना होगा। राइट क्लिक करके सिलेक्ट पर मारो, अच्छा जुड़ा नहीं है ना, तो इसको क्लिक करो, कंट्रोल दबा के इसको क्लिक करो। उसके बाद यहाँ पर इसको कोइंसाइड कर दो, हो गया। उसके बाद देखते हैं यहाँ पर क्या कुछ डायमेंशन वगैरह दिया हुआ है। ओके, तो यहाँ पर अच्छा यहाँ पर मैं स्मार्ट डायमेंशन पर जाऊंगा। यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये एक्चुअली 150 दबा के एंटर मारूंगा। उसके बाद ये वाला जो डिस्टेंस है ये यहाँ पर 15 है, 15 दबा के एंटर मारूंगा। उसके बाद इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जो मतलब पार्टिकल डिस्टेंस है वो 25 है, एंटर मारूंगा। उसके बाद ये जो पूरा डिस्टेंस है ये डिस्टेंस 40 हो चुका है, तो 40 यहाँ पर होना चाहिए, तो वहां दिखा रहा है, कैंसिल कर दो, ऑटोमेटिक ये 40 ले लिया है। उसके बाद और यहाँ पर क्या चाहिए था, अच्छा ये वाला डिस्टेंस 25, तो यहाँ पर इस पॉइंट से यहाँ पर इस पॉइंट तक ये वाला जो डिस्टेंस है यहाँ पर 25 दबा के एंटर मार दो, हो गया। उसके बाद और कुछ डिस्टेंस हमें फिलहाल नहीं चाहिए, अच्छा चाहिए यहाँ पर मैं एक सर्कल लूंगा। सर्कल लेने के बाद यहाँ पर क्लिक करके एक सर्कल, फिर से यहाँ पर क्लिक करके अच्छा मैं डायरेक्ट डायमेंशन दे सकता हूँ ना, तो यहाँ पर तुम 10 दबा के एंटर मार दो। और यहाँ पर भी तुम यहाँ पर इसको एस्के मारो, इसको क्लिक करके इधर ले आओ, फिर डबल क्लिक करो। उसके बाद यहाँ पर 10 दबा के एंटर मारो। ओके, मैं मेरा एक्चुअली राइट क्लिक करके न्यूमेट्रिक इनपुट ऑन है, इसलिए मैं सर्कल करने का टाइम डायरेक्ट डायमेंशन दे सकता हूँ। सेंटर पॉइंट को क्लिक करूंगा, कंट्रोल दबा के इसका सेंटर पॉइंट को क्लिक करूंगा। उसके बाद इसको मैं हॉरिजॉन्टल कर दूंगा। उसके बाद यहाँ पर स्मार्ट डायमेंशन पर जाके इस सेंटर पॉइंट को क्लिक करूंगा और यहाँ पर इस लाइन को क्लिक करूंगा। इसका डिस्टेंस यहाँ पर 30 है, 30 दबा के एंटर मार दो। उसके बाद इस सेंटर पॉइंट को क्लिक करो और इसका सेंटर पॉइंट को क्लिक करो, इसका डिस्टेंस जब 70 है, 70 दबा के एंटर मारो। तो सब कुछ हो गया, उसके बाद हमें सिर्फ इसका लोकेशन फिक्स करना होगा। तो लोकेशन यहाँ पर तो कुछ नहीं दिखा रहा, हमें यहाँ पर जाना होगा, यहाँ पर शायद इसका लोकेशन वगैरह अच्छा है, ये यहाँ पर इस पॉइंट के साथ फिक्स है, तो कुछ इस तरह से देखूंगा। ओके, यहाँ पर इस पॉइंट के साथ फिक्स है ना। ओके, एक्चुअली दिखने में मतलब ये जो पिक्चर है ना ये बहुत ही लो क्वालिटी का पिक्चर है, इसलिए दिखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। अच्छा हाँ, यहाँ पर भी देख सकते हो, ये देखो ये एकदम इस पॉइंट के साथ ही फिक्स्ड ही तो लग रहा है। ओके अच्छा, यहाँ पर ना हमने ये वाला डिस्टेंस नहीं दिया है, यहाँ पर मैं स्मार्ट डायमेंशन पर जाऊंगा। यहाँ पर इस सेंटर पॉइंट से ये नीचे वाला जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस हमने नहीं दिया है, यहाँ पर 15 लिखा हुआ है, 15 दबा का एंटर मार, हो गया। उसके बाद मैं यहाँ पर एस्केप मारूंगा, एस्केप मारने के बाद इस पॉइंट को क्लिक करो, कंट्रोल दबा के इस पॉइंट को क्लिक करो। उसके बाद ना इसको कोइंसाइड कर दो, आप देखो एकदम पूरा ब्लैक हो चुका है और यही हमें चाहिए। यहाँ पर ना एक्चुअली ऐसा नहीं है, यहाँ पर ना एक थिकनेस है, 1.5 का एक थिकनेस है। ओके, समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पर अगर मैं इस तरह से करूंगा यहाँ पर एक कोइंसाइड नहीं है। इसको मैं क्लिक करके यहाँ पर कुछ देख कर यहाँ पर जो कोइंसाइड का सिंपल इसको राइट क्लिक करके मैं डिलीट मारूंगा, तो ये फिर से ऐसे लूज हो जाएगा। यहाँ पर एक डिस्टेंस देना पड़ेगा, डिस्टेंस क्या है, यहाँ पर मैं स्मार्ट डायमेंशन पर जाऊंगा, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ये ऊपर से नीचे का डिस्टेंस 1.5 दबा के एंटर। उसके बाद फिर से इसको क्लिक करके एक्चुअली हमें स्मार्ट डायमेंशन पर जाना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर इस पॉइंट पर क्लिक करके, इस पॉइंट पर क्लिक करके ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस भी यहाँ पर 1.5 दबा के एंटर मार दो। ओके, तो ये थोड़ा ज्यादा प्रैक्टिकल लग रहा है। उसके बाद इसके मारो, इसके मारने के बाद
यहाँ पर इस स्केच को ध्यान से देखो, यहाँ पर डबल लाइन है, यहाँ पर भी डबल लाइन है, पर यहाँ पर सिंगल लाइन है, मतलब ये एक्चुअली फ्लेंज के लिए दिया हुआ है। तो हम यहाँ पर इस लाइन को क्लिक करके डिलीट मारेंगे, डिलीट मारने के बाद येस मारेंगे, उसके बाद यहाँ पर स्मार्ट डायमेंशन पर जाएंगे और ये जो लाइन है इसका डिस्टेंस था 40 है, तो इसको एंटर मार देंगे। तो यही एक्चुअली हमें स्केच करना था, नीचे फुल्ली डिफाइंड का मैसेज भी आ चुका है। तो हम यहाँ से एग्जिट करेंगे, एग्जिट करने के बाद अभी हम शीट मेटल पर जाके इस स्केच को क्लिक करके, स्केच को सिलेक्ट करके एक्सक्लूड पर क्लिक करेंगे। तो वो देखो यहाँ पर क्या होता है, ये देखो ये यहाँ पर एक्सक्लूड हो रहा है और यही हमें एक्चुअली चाहिए। ओके, उसके बाद मैं यहाँ पर बिल्ड नहीं, मैं यहाँ पर अप टू सरफेस पर क्लिक करूंगा, उसके बाद इस सरफेस पर ऐसे क्लिक कर दूंगा, हो गया काम। ओके, उसके बाद मैं मेरा यहाँ पर अच्छा छोड़ो, यहाँ पर मैं इसको टिक कर देता हूँ, टिक कर देता हूँ, क्या हो गया, हाँ टिक करने से कुछ इस तरह से हमारा आ गया। तुम यहाँ पर अपना रियल व्यू ग्राफिक्स को ऑन कर दो, तो देखो इस तरह से हमारा आ गया। उसके बाद यहाँ पर हमें फ्लेंज लेना होगा, फ्लेंज पर क्लिक करूंगा, फ्लेंज पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर ऊपर से भी ले सकते हो, नीचे से भी ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको मैं यहाँ से क्लिक करके नीचे तक ले जाऊंगा, उसके बाद इस तरफ भी थोड़ा सा एडजस्ट कर गया, इस तरफ से भी हमें फ्लेंज लेना होगा। यहाँ पर इस लाइन को यहाँ पर क्लिक करो, ओके, थोड़ा सा एडजस्ट करके इस लाइन को क्लिक करो, उसके बाद हम नीचे की तरफ ऐसे जाएंगे। तो उसके बाद यहाँ पर डिस्टेंस कितना लिखा था, 40, 40 दबा के मैं एंटर मारता हूँ, हो गया। तो उसके बाद यहाँ पर एक एरर आ सकता है, इसलिए तुम यहाँ पर ना एक ट्रिक, इसको ध्यान से याद रखना, ट्रिम स्लाइड बेंचेस, इसको तुम क्लिक करो, क्लिक कर चेक मारो, उसके बाद यहाँ पर ओके कर दो। ओके करने के बाद एकदम परफेक्ट आ चुका है। तो देखो यहाँ पर ये जो एज के टाइम पे ना, ये देखो इस तरह से कट जाएगा, ओके ट्रिम हो जाएगा, नहीं तो यहाँ पर एक एरर होगा। तुम उसको चेक ना करके एक बार यहाँ पर देखो, उसके बाद एक बार चेक करके देखो, तो देखो तुम्हारा जो डिफरेंस है वो समझ में आ जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर जो फिलेट वगैरह चैम्पर वगैरह है वो हम देंगे। यहाँ पर कॉर्नर पर जाके मैं ब्रेक कॉर्नर पर जाऊंगा, उसके बाद यहाँ पर क्लिक करके मैं एक बार यहाँ पर क्लिक करूंगा, उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा एडजस्ट करके यहाँ पर भी क्लिक करूंगा, ओके यहाँ पर भी क्लिक करूंगा, हो गया। उसके बाद इसका कितना था, यहाँ पर 25x25 था, यहाँ पर चैम्पर पर क्लिक करके 25x25 दबा के इसको ओके कर दो। ओके मारने के बाद यहाँ पर हमारा स्टेयर एकदम परफेक्टली रेडी हो चुका है, यहाँ पर तुम स्पेस दबा के आइसोमेट्रिक पर क्लिक कर सकते हो। उसके बाद मैं यहाँ पर पैटर्न करूंगा, यहाँ पर तुम 3D व्यू को देख सकते हो, ओके यहाँ पर मैं पैटर्न करूंगा इस तरह से, तो देखो कैसे होता है। यहाँ पर मैं इसको पूरा, अच्छा एक सेकेंड, इसको मैं पूरा क्लिक किया यार, पैटर्न करने के लिए यहाँ पर ना मैं फीचर्स पे जाऊंगा, उसके बाद यहाँ पर लीनियर पैटर्न पर जाऊंगा, उसके बाद यहाँ पर इस डायरेक्शन को मुझे लेना होगा, किस डायरेक्शन में पैटर्न होगा, इसको क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक्चुअली ना यहाँ पर सिलेक्ट तो करना होगा ना ये वाला फ्लेंज, और इसको इसको क्लिक करो, कंट्रोल दबा के इसको क्लिक करो, सॉरी यहाँ पर मैं गलती हो गई, एक्चुअली ना इसको क्लिक करना होगा फ्लेंज को, तो उसके बाद कंट्रोल दबा के इस एज को क्लिक करना, उसको कंट्रोल दबा के इसको भी क्लिक करना, इन तीनों को हम एक साथ यहाँ पर हम पैटर्न करेंगे। तो इसको पैटर्न पर क्लिक करना होगा, क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमें डायरेक्शन मांग रहा है, तो ये वाला डायरेक्शन मैंने बोला था कुछ देर पहले ऐसे दे दिया। उसके बाद यहाँ पर दोनों स्टेप्स के बीच का डिस्टेंस यहाँ पर कितना है, यहाँ पर देखो दिया होना चाहिए, यहाँ पर देखो दोनों फ्लेंज के डिस्टेंस 200 है, तो यहाँ पर मैं 200 दे दूंगा। उसके बाद यहाँ पर 7 इंच फ्लेंज है, ओके तो यहाँ पर तुम गिन लो, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7, ओके तो 7 है, तो 7 के लिए मैं यहाँ पर 7 दबा दिया। उसके बाद इसको तुम टिक मार दो, टिक मारने से देखो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ये फ्लेंज नहीं हुआ, ओके प्रॉब्लम हो गया। यहाँ पर मैं स्पेस दबा के आइसोमेट्रिक पर क्लिक करूंगा, ओके यहाँ पर पैटर्न नहीं हुआ, पैटर्न पर जाकर फिर से अगर मैं एडिट पर क्लिक करूँ, ओके तो यहाँ पर मैं एक बार देखता हूँ, इसको अगर मैं थोड़ा सा बढ़ा दूंगा, अच्छा उफ़ ये एक्चुअली सिलेक्ट ही नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर मैं इस फीचर्स पे जाके, अच्छा फीचर्स क्यू यार, मैं यहाँ पर बॉडीज को क्लिक करूंगा, डायरेक्ट इस बॉडी को क्लिक कर दूंगा, अच्छा अनेबल टू सिलेक्ट ए बॉडी, तो ये बॉडी एक्चुअली सिलेक्ट नहीं हो रहा है, अच्छा बॉडी को एक बार टिक करना होगा। उसके बाद मैं अगर इसको क्लिक करूंगा, हाँ अब परफेक्ट हुआ है, ओके मैंने उस फीचर को एक्टिव ही नहीं किया था, तो उसके बाद मैं इसको टिक कर दूंगा। अब देखो यहाँ पर हो जाएगा, कभी कभी ऐसा प्रॉब्लम हो जाता है, ओके मैं थोड़ा आउट ऑफ माइंड चला गया था, ओके मतलब क्या कहते हैं गोल, जो भी हो यहाँ पर कुछ होल्स वगैरह है, तो होल्स हम देंगे जो हमने यहाँ पर देखे थे, इस होल वगैरह को देंगे, तो यहाँ पर मैं क्लिक करूंगा। उसके बाद मैं अच्छा यहाँ पर क्लिक करके तुम होल विजेट पर चले जाओ, होल विजेट पर जाने के बाद यहाँ पर इस नॉर्मल होल, उसके बाद यहाँ पर इसका डायमीटर 10 है, तो यहाँ पर 10 ले लो, 10 दबाने के बाद यहाँ पर तुम थ्रू ऑल मत कर देना, अच्छा थ्रू ऑल कर सकते हो कोई बात नहीं, दोनों तरफ से हो जाना चाहिए। पोजीशन पर जाऊंगा, पोजीशन पर जाने के बाद मैं यहाँ पर एक लूंगा और यहाँ पर एक लूंगा, हो गया, राइट क्लिक करके
क्या हो गया, होल विजेट के अंदर इसको अगर मैं यहाँ पर कुछ, ओ माय गॉड सॉरी, इसको डायमेंशन देना था। फिर से मैं यहाँ पर इसको राइट क्लिक करके एडिट पर जाऊंगा। एडिट पर जाने के बाद फिर से मैं पॉइसन पर जाऊंगा। पॉइसन पर जाने के बाद यहाँ पर मैं एक सिंगल एस्केप दबाऊंगा। सिंगल एस्केप, ड्यूअल मैंने शायद दबा दिया था। मैं स्मार्ट डायमेंशन पर जाऊंगा। जाने के बाद थोड़ा सा इस तरह से एडजस्ट करो। एडजस्ट करने के बाद थोड़ा सा इस तरह से एडजस्ट करो। उसके बाद इस पॉइंट को और यहाँ से ये जो लाइन है, ये जो लाइन है इसके बीच का डिस्टेंस यहाँ पर कितना था, 40-50। तो 40-15 दबा के एंटर मारूंगा, ऊपर चला गया, हो गया। तो उसके बाद इस सेंटर पॉइंट के साथ इस एज का यहाँ पर डिस्टेंस कितना था, इसका डिस्टेंस यहाँ पर 30 है। 30 दबा के एंटर मारो। उसके बाद एज, इसका जो सेंटर पॉइंट है और इसका जो सेंटर पॉइंट है, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ये यहाँ पर 70 था। 70 दबा के एंटर मारो, हो गया। उसके बाद इसके मारो सिंगल एस्केप। उसके बाद इसका सेंटर पॉइंट कंट्रोल दबा के इसका सेंटर पॉइंट को क्लिक करो। तो उसके बाद इसको तुम हॉरिजॉन्टल कर दो, तो देखो एकदम परफेक्ट आ गया। उसके बाद इसको अगर मैं टिक कर दूंगा, टिक करने से फिर से इसको टिक मार दो। अब देखो ये यहाँ पर होल एकदम परफेक्टली आ गया। ओके, इसी को हमें यहाँ पर मिरर करना होगा। तो मिरर करने के लिए हम यहाँ पर इस पैटर्न के अंदर, ये मिरर का ऑप्शन है। उसके बाद यहाँ पर मिरर करने के लिए मैं ए वाला प्लेन लेता हूँ। ये बीच का यहाँ पर मैंने एक प्लेन बनाया था। ओके, बीच का प्लेन शायद कौन सा प्लेन था, यहाँ पर ए वाला प्लेन था शायद, हाँ ए वाला प्लेन। उसके बाद यहाँ पर फीचर, फीचर कौन सा लूंगा, यहाँ पर ये जो होल बना है इसको, इसी को मैं क्लिक करूंगा। यहाँ पर फीचर्स पे क्लिक करके इसको मैं क्लिक करूंगा। तो उसके बाद मैं फीचर को ऐसे क्लिक किया, फीचर को क्लिक, यहाँ पर फीचर के बॉक्स पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर इस फीचर को क्लिक कर दिया। तो उसके बाद इसको मैं अगर टिक करूंगा तो ये इस तरफ भी यहाँ पर पैटर्न हो जाना चाहिए था। हाँ, इस तरफ भी हमारा होल हो गया। उसके बाद देखो मैं मैजिक क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं एक बार इस यहाँ पर क्लिक कर दूंगा। उसके बाद मैं इस मिरर को क्लिक करूंगा। मिरर को क्लिक करने के बाद यहाँ पर मैं लीनियर पैटर्न पर जाऊंगा। उसके बाद सेम हम इस डायरेक्शन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर 207 जैसा था वैसा दे देंगे। उसके बाद यहाँ पर अगर टिक मारोगे तो यहाँ पर शायद एक एरर आ जाना चाहिए। अच्छा, यहाँ पर अगर तुम्हारा कोई एरर आ रहा है तो यहाँ पर राइट क्लिक करके मैं एडिट पर जाके दिखाता हूँ। तुम अगर यहाँ पर नीचे की तरफ, यहाँ पर देखो जियोमेट्री पैटर्न, ये अगर तुम्हारा बंद होगा ना तो यहाँ पर तुम क्लिक करोगे तो तुम्हारे यहाँ पर पैटर्न नहीं होगा। यहाँ पर कुछ देखो, यहाँ पर रिपीट एरर दिखा रहा है। यहाँ पर जियोमेट्री पैटर्न को ऑन कर देना। उसके बाद यहाँ पर तुम टिक कर देना। तो वो देखो इस तरह से हमारा पूरा स्टीयर कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद हम यहाँ पर इसको थोड़ा कलर वगैरह देंगे। तो इसको कलर वगैरह देने के लिए यहाँ पर मैं अपेरेंस पर जाऊंगा। अपेरेंस पर जाने के बाद यहाँ पर मेटेरियल पर जाऊंगा, मैं डबल क्लिक करूंगा। उसके बाद यहाँ पर क्रोम पर जाऊंगा, थोड़ा सा पॉलिश दबा के इसको ओके करूंगा। मेरा यहाँ पर हाँ ये वाला नहीं, ये वाला ठीक नहीं लग रहा है। इसको क्लिक करके थोड़ा सा ऐसा करता हूँ, हो गया। अच्छा, ये ना पूरा बॉडी पर नहीं हो रहा है। यहाँ पर मैं क्या करूंगा, इसको क्लिक करूंगा, यहाँ पर मैं डबल क्लिक करूंगा तो ये पूरा बॉडी पर अप्लाई हो जाएगा। यहाँ पर इसको मैं प्लेन व्हाइट पर करूंगा तो देखो कितना अच्छा लग रहा है ना, कितना साइनी साइनी सा लग रहा है। स्पेस दबा का आइसोमेट्रिक पर क्लिक करो। तो उसके बाद इसका अगर कलर वगैरह चेंज करना चाहिए तो यहाँ पर जाओ। उसके बाद कौन सा हमने आखिर में, या ओफ इतना सारा कैसे आ गया, इसको रिमूव करो। उसके बाद इसको भी रिमूव करो। उसके बाद इसको भी यहाँ पर रिमूव करो। रिमूव करने के बाद मैं यहाँ पर डायरेक्ट जाके यहाँ पर सिर्फ इसको ही डबल क्लिक करूंगा, हो गया, एक ही रहना चाहिए। उसके बाद इसको डबल क्लिक करो। डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पर तुम येलो कलर ले सकते हो। येलो कलर ले लिया। उसके बाद और थोड़ा सा डार्क ले लो इस तरह से। उसके बाद मैं इसको टिक मार दूंगा। टिक मारने से देखो ये एकदम हमारा, उसके बाद चाहो तो यहाँ पर जो लाइन वगैरह है ना, यहाँ पर जो स्केच है, इस स्केच को यहाँ पर, ये स्केच है और कहाँ पर स्केच, अच्छा कंट्रोल दबा के यहाँ पर भी स्केच है, इसको तुम राइट क्लिक करके हाइड कर सकते हो। तो चलो फिर मिलते हैं और किसी वीडियो पर। आज के लिए बाय बाय गाइस।